हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुक विद दुर्गा। और आज हम बनाने वाले हैं चने का इंस्टेंट नाश्ता, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ये खा सकते हैं। और इसको हम एक अलग तरीके से बनाएंगे कि बच्चे इसे खाने से मना ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मूली। मूली हम छोटी छोटी साइज का लिए हैं, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं मूली को, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं रहता। और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने एक छोटी साइज का उसे कट करके लिया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो चना रहता है, उसे हम एक दिन के लिए भिगो कर फिर उसके बाद उसे कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध कर टांग दिए थे, तो इसके जो ऊपर वाले वाइट वाइट सीड्स एकदम बड़े बड़े हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला एक छोटी साइज़ का टमाटर। टमाटर इसमें आप ज़रूर डालेगा, इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर हमने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके घर में बच्चे खाने वाले हैं तो आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप बड़े बड़े साइज़ का इसमें आप डाल दीजिएगा। मिर्ची हमने इसमें 2 मिर्ची लिया। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला है नींबू का रस 1 छोटी चम्मच। फिर उसके बाद टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक, बट इसमें थोड़ा कम ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद इसमें ऐड करने वाले टेस्ट मेकर, और ऑलरेडी टेस्ट मेकर में नमक रहता है थोड़ा बहुत। और ये देखिए हमने इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया टेस्ट मेकर। और ये आप डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हमने इसे अच्छे से कट करके वॉश करके ले लिया है। आप कुछ भी वेजिटेबल्स बाहर से लाते हैं और उसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और ये देखिए ये सब डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अपनी वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो।